एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। पुंछ जिले के मेंढर तहसील के बैरा गांव में आज सुबह दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज राजौरी में इलाज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। घायलों की पहचान सरफराज अहमद और तौसीफ अहमद गाँव बनौला तहसील मेंढर के रूप में हुई है। संवाददाता खुशाल बानिया की है रिपोर्ट। सुबह मॉर्निंग में एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दो यंग युवक जो है इंजर्ड हुए, तो एक क्रिटिकल है सरफराज, उसको हमने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है। इसको कंपाउंड फ्रैक्चर अभी एक्सरे में मिला है, लेफ्ट शोल्डर है वो डी बॉन्ड है, और जो दूसरा वो स्टेबल है, वहाँ का ट्रीटमेंट यहाँ पर ही हमारे पास। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया, जिसमें हैदरपुर मुठभेड़ के मुद्दे को लेकर मीडिया कर्मियों से बात की। संवाददाता जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी जिम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतजामिया है, उसके सरबराह है, उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़ उनकी जिम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है, जहाँ पर तीन हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी, और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी, और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है खतरनाक होगा। महबूबा जी, जो फार्मर्स लॉज है उनको रिपेल किया गया, क्या आपको लग रहा है एब्रोगेशन भी रिपेल हो सकता है, और आप इस नगर समिति कंजर्वेटिव के अध्यक्ष और समन्वय समिति शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर लद्दाख के महासचिव अब्दुल करीम डार ने पिछले साल सरकार द्वारा चलाए गए माई टाउन माई प्राइड पर सवाल उठाया है। डार का कहना है कि पिछले साल यूटी सरकार ने कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें शहर के अंदर के लोगों की समस्या और कठिनाइयों की पहचान की गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कंजर में बने फिल्टर प्लांट से फिल्टर कर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। लोग इस काम को पूरा नहीं करने पर सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर कर रहे हैं। डार ने समस्याओं के समाधान की मांग की। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। इसमें सेक्शन थी और उसके लिए उन्होंने काम भी शुरू किया, मगर आज तक फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए कुंजर टाउन के लोगों के लिए फिल्टर्ड वाटर अभी तक सप्लाई नहीं किया गया। अभी देखिए सितम जरिए की बात है, लास्ट ईयर जब बैक टू विलेज की तर्ज पर म्यूनसिपलिटी के लिए उन्होंने माई टाउन माई फ्राइट का प्रोग्राम शुरू किया, तो जो मेरे विजिटिंग ऑफिसर थे, वो डायरेक्टर फ्लोरी कल्चर है, तो वो मौके पर गया और उसने उस ये जो अपना हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी उन्होंने इनॉग्रेशन भी की। तो उस वक्त के उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो RNB इसके है इरीगेशन और PHE के और असिस्टेंट इंजीनियर जो है, उन्होंने उस वक्त लोगों के साथ यहाँ पर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम में लोगों के साथ वादा किया कि हम एक महीने के अंदर अंदर फिल्टर्ड वाटर। सोपोर में आग के लपटों से मची दहशत, फिलहाल स्थिति सामान्य। पुलिस ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले की खबरों का खंडन किया। एक पुलिस अधिकारी ने एबीपी न्यूज संवाददाता को बताया कि सब कुछ सामान्य है। संवाददाता इरफान नजीर की रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अशमुजी इलाके में मिलिटेंट और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी पहचान मालवान के मुदासिर बागे के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने लाइव मुठभेड़ के दौरान बच्चों को निकाला। इसी बीच कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट किया कि एक मिलिटेंट मारा गया है, ऑपरेशन चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे एबीडी न्यूज के साथ। संवाददाता सुहेल बाबा की रिपोर्ट।
साइड होना रजाक शोपिया में महिलाओं ने शहर के चारों ओर लगाए गए नए मीटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिस कारण शोपिया श्रीनगर रोड को कई घंटों तक अवरुद्ध कर दिया गया। उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने की अपील की, साथ ही नागरिक प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। संवाददाता मीर सज्जाद की है रिपोर्ट। हमारी डिमांड पावर इस्तेमाल कर रहे थे, हमें वही पावर चाहिए। ये जो पावर अगर हम इसको सिर्फ लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तब भी हमको 1200 1800 2000 3000 बिल आती है, लेकिन सिर्फ लाइटिंग के लिए। सबको मालूम है कि जो ये शोपियान है ये एक सरल इलाका है, इसको हीटिंग की बहुत जरूरत है। अगर हम हीटिंग इस्तेमाल करेंगे तो 50,000 आएंगे महीने के लिए, तो हम कहाँ से लाएंगे? हम गरीब लोग हैं। हमारी क्या चाहते हैं? जो ये मीटर इंस्टॉल हुए हैं नए मीटर इसको हटाओ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है हमारे घरों में, जो हमारे ये जो हमारा पानी का निजाम है वो भी पावर पर है, जो दूसरा निजाम है वो सब कुछ पावर पर है, हमारे हीटिंग सिस्टम सब कुछ पावर पर है। जब ये पावर ही नहीं रहेगा, जब ये हीटिंग हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, तो किस लिए है? जेपी जमींदार फोरम के अध्यक्ष हामिद मलिक ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से किसान इन कानूनों के खिलाफ थे और उन्हें वापस रद्द करने के लिए केंद्र में वर्तमान सरकार को लगभग एक साल लग गया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानूनों को देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान निरस्त कर दिया गया होता तो देश भर में 700 से अधिक किसानों की जान न जाती। उन्होंने कहा कि हालांकि एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को सेब सहित सभी फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू करना चाहिए ताकि किसान राहत की सांस ले सके। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। पहले वेलकम करते हैं कि मोदी जी ने आज डिसीजन लिया, लेट लिया, बट खुशी इस बात की है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने माना कि हमसे गलती हुई थी, मगर ये गलती कितनी महंगी पड़ी हम फार्मर्स के लिए। 700 किसानों ने शहादत पाली, 700 खानदान तबाह हो गए और कितना नुकसान हुआ हमारी खेतों का, बाकी चीज़ों का, जो इकोनॉमिक लॉस हमारा हुआ वो आप हिसाब नहीं लगा सकते। लखनपुर खीरी जैसे वाकई हुए, तो थोड़े खुश भी है, ज़्यादा मायूस भी है, क्योंकि हमारे जवानों पर काफ़ी FIR अभी बाकी है, MSP का कानून लागू करना अभी बाकी है, अभी बहुत सी चीज़ें नहीं हुई। ये तो वो काम जो पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कानून बनाए गए हैं तो ठीक नहीं थे, मगर आज एक जो हम बोल रहे हैं कि जो मोदी जी अभी भी तानाशाही चला रहे हैं, उस तानाशाह को झुकाया तानाशाह ने आज माना कि हमसे गलती हुई, तो ये एक बड़ी बात है। मगर मैं एक और बात कहूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, जो बच्चे हमारे हैं, वो उनके लिए एक सीख भी है कि आप पूरा मन तरीके से किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत को झुका सकते हैं।